हाँ, तो जो आपको स्ट्रिंग में बेटा एक मेथड था जिसमें कि आप अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल कर देते थे, ये उसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है कि मान लीजिए एक रॉड है आपकी, इस तरह की ए बी रॉड है, और ये दो वर्टिकल वॉल्स, ये तो ग्राउंड है और ये वॉल है, ठीक है। तो ये इस पर इस तरह से स्लिप कर रही है, तो ए वाला एंड अलोंग द फ्लोर मूव कर रहा है, बी वाला एंड अलोंग द वॉल नीचे उतर रहा है, और इस इंस्टेंट पर आपको ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। आपको इस इंस्टेंट पर एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, और ए पॉइंट की अलोंग द फ्लोर स्पीड यू है, ए पॉइंट की अलोंग द फ्लोर स्पीड यू दे रखी है। तो आपको वी बी और यू में रिलेशन निकालना है एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर, वी बी और यू में रिलेशन निकालना है आपको एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए बी के अलोंग बी पॉइंट की जितनी वेलोसिटी है, ए पॉइंट की भी उतनी वेलोसिटी है, क्योंकि ए और बी के बीच की डिस्टेंस का चेंज होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो बस सीधा सा लॉजिक है आपका, अलोंग द रॉड, इसको आपको करना है तो एक्स और वाई मान के उस तरीके से कर सकते हैं, आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है ना। उस मेथड से आप करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल, कंपोनेंट ऑफ ए, वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बात है बेटा फिजिक्स में, इनका आप ध्यान रखें। तो वी बी इधर आ रहा है, वी इधर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, वी बी साइन थीटा इक्वल टू, इसका अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए बी लाइन के अलोंग कंपोनेंट ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, तो वी बी कितना आ जाएगा आपका, यू कॉट थीटा आ जाएगा, ये बी पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यू कॉट थीटा आ जाएगी, इस तरीके से। तो एक चीज और देखिए इसमें आप, अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला सब करके बताएंगे, या एक वेज वाला और बता दूं मैं, वेज कंस्ट्रेंट्स। देखो आप वेज कंस्ट्रेंट कैसे होते हैं, ध्यान से सुनिए। टॉपिक का नाम रख दिया है वही वेज, वही आपके सिंपल कंस्ट्रेंट ही है, उस टॉपिक का नाम वेज कंस्ट्रेंट की तरह रख दिया है इसका, ये समझ लीजिए आप। ठीक है ना, इसमें देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझ, कई जगह अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। ये एक आपका इस तरह से वेज है, ठीक है, और उसके ऊपर एक इस तरह की रॉड है, ये रॉड कंस्ट्रेंट है मूव करने के लिए, कैसे, इस पर दो हॉरिजेंटल बार लगा रखी है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जब ये रॉड नीचे उतरेगी, ठीक है ना, तो किसी भी टाइम पर इनकी वेलोसिटी का रिलेशन भी पूछ सकता है, एक्सेलरेशन का रिलेशन भी पूछ सकता है, वेज एंगल फिक्स है। मान लो किसी टाइम पर ये वेलोसिटी ऑफ वेज है और ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रॉड इस डायरेक्शन में है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन वी डब्ल्यू एंड वी आर। क्या क्वेश्चन पूछता है बेटा आपसे, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन वी डब्ल्यू एंड वी आर, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन वी डब्ल्यू एंड वी आर में रिलेशन बताना है आप, रिलेशन बिटवीन वी डब्ल्यू एंड वी आर कैसे निकालेंगे बताओ, वी डब्ल्यू और वी आर का रिलेशन कैसे निकलेगा। तो इसका सुनिए आप एक बार ध्यान से सुनिए, ये रॉड पहले तो वेज आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है इसकी, इस तरह से, तो एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आ रहा है, उस वजह से वेज आगे बढ़ रहा है, और ये रॉड आपकी नीचे उतर रही है, ठीक है। तो आप समझिए बेटा, जैसे मान लो एक स्टेशनरी वेज होता, तो ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में अलोंग द वेज मूव करता, बात आ रही है समझ में। अगर ये आपका वेज में फिक्स्ड कर देता यहाँ पर, तो ये ब्लॉक की मोशन, जो ब्लॉक की मोशन विद रिस्पेक्ट टू द वेज कैसे होती, अलोंग द वेज होती, ठीक है। तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप वेज के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे रॉड की, तो वो हमेशा अलोंग द वेज आएगी, ये फंडा है इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स का, कि वेलोसिटी ऑफ रॉड
वेलोसिटी ऑफ रॉड विल बी अलोंग द वेज, वेलोसिटी ऑफ रॉड विल बी अलोंग द वेज, ये समझिए आपकी रॉड की जो वेलोसिटी है विल बी अलोंग द वेज, वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू वेज, कह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेज कैसी होगी, अलोंग द वेज होगी, जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू वेज मतलब वेज फिक्स हो गया तो उसको तोड़ के कभी अंदर तो जाएगी, जैसे ये ब्लॉक है आपका हमेशा अलोंग द वेज मूव करता है, तो वेज के रिस्पेक्ट में ये रॉड अलोंग द वेज ही मूव करेगी बेटा हमेशा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि वेज के परपेंडिकुलर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, हेंस मैं बोल सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉड परपेंडिकुलर टू वेज, परपेंडिकुलर टू वेज विल बी इक्वल टू जीरो, परपेंडिकुलर टू द वेज विल बी इक्वल टू जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉड परपेंडिकुलर टू द वेज विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में अलोंग द वेज ही आ रही है, ठीक है। और दूसरे टर्म्स में इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर टू द वेज दोनों के वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल हो, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर टू वेज वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ रॉड एंड वेज मस्ट बी इक्वल, रॉड एंड वेज मस्ट बी इक्वल, परपेंडिकुलर टू द वेज वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ रॉड एंड वेज मस्ट बी इक्वल, दूसरी बात ये है मेरी, परपेंडिकुलर टू द वेज वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ रॉड एंड वेज मस्ट बी इक्वल। तो अब आप रिलेशन बता सकते हैं क्या बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट पे फोकस करेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेज किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रॉड ऐसे आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ दोनों के परपेंडिकुलर टू द वेज कंपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में रॉड अलोंग द वेज ही जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए दोनों की, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो मतलब क्या है कि दोनों के वेलोसिटी कंपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो बताइए एक बार आंसर आप, वेलोसिटी कंपोनेंट्स इक्वल कर सकते हैं क्या बेटा, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा थीटा, तो रॉड का कंपोनेंट कितना आ रहा है बताओ परपेंडिकुलर टू द वेज, जल्दी बताओ रॉड का वेलोसिटी का परपेंडिकुलर टू द वेज कंपोनेंट कितना, बताइए कितना है, वीआर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेज, जल्दी बताओ बेटा आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, अमन आवाज आ रही है या दीपेंद्र आप बताइए। हाँ तो रॉड का परपेंडिकुलर टू द वेज कंपोनेंट कितना है, वी आर कॉस थीटा, और आपका वेज का कितना है, वेज का परपेंडिकुलर टू द वेज कंपोनेंट कितना है बताइए दीपेंद्र, वी डब्ल्यू था तो वी डब्ल्यू का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ रहा है, हाँ तो वी आर कितना आ गया आपका, वी डब्ल्यू टेन थीटा आ जाएगा, वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी डब्ल्यू टेन थीटा आ जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिए बेटा, कोई भी चीज वेज के रिस्पेक्ट में अलोंग द वेज चलती है, ठीक है ना, कोई भी चीज विद रिस्पेक्ट टू द वेज कैसे चलेगी, अलोंग द वेज चलेगी, तो ये रॉड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो नीचे आ रही है, बट वेज के रिस्पेक्ट में कैसे चल रही है, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या है वेज आगे जा रहा है ना, देखो थोड़ी देर बाद बॉटम पे पहुंच जाएगी, जब वेज पूरा आगे निकल जाएगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगी, इसके बॉटम पे आ जाएगी, तो वेज के रिस्पेक्ट में अलोंग द वेज मूव करती है, तो इसी चीज का फायदा उठाना है इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स में। मैं एक प्रॉब्लम और करा रहा हूँ आपको, ऐसी देखिए,